ड्यूटी करो, कभी 10 बजे हॉस्पिटल में कोई नहीं होता है, कभी 10:30, कभी 11, कभी 12, क्या इधर कोई पूछने वाला नहीं है? मैंने कल भी आपको फोन किया कि सर को डॉक्टर साहब उधर नहीं है, इन्होंने कल परसों उसको इंजेक्शन लगाया। जिनको इंजेक्शन लगाना नहीं आता है तो उनको क्यों बोलते हैं इंजेक्शन लगाओ? दूसरी बात यह है कि अगर आज भी चलो कोई प्रॉब्लम है, नहीं भी आ सकता आदमी बोलता है चलो ठीक है, लेकिन आज उनको कभी भी मैंने देखा होगा 10:30 बजे से पहले हॉस्पिटल खुलते नहीं, तो क्या बात? अगर पूछने पे इनका इनको लेट हो गए रोज डेली यही काम है। को 4-5 बार जो है मैंने इनको बोला है कि आप अपनी टाइम से ड्यूटी करें और टाइम से ड्यूटी जो है ऑफ करें और हमारे लोगों को जो है वो जो सारी सुविधा वो प्रोवाइड करें, तो उनको कहने हमारे कहने पे बार बार कहने पे पर भी ये नहीं माने। और लगातार कल भी डॉक्टर भगवती हैं जो वो 10:30-11 बजे के तकरीबन जहाँ पर अपनी ड्यूटी पे पहुँचे हैं। और रही बात आज की, तो आज भी ये 10-20-25 पे भी सारा, तो जब हम आए तो इस हॉस्पिटल में कोई नहीं था, 10:20-25 मिनट हो चुके थे तो जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा था। जब उसके बाद जो इनका स्टाफ आया और डॉक्टर जी भगवती जी भी आए और मैंने पूछा कि आप अपनी ड्यूटी टाइम पे क्यों नहीं आते हो, तो मुझे जवाब मिलता है इनके कहने पे अगर हम लेट हो गए हैं तो फिर क्या बात है, लेट हो गए तो फिर क्या बात है। तो मैंने इनके जो है BMO साहब हैं करोच साहब, उनको फोन किया और SDM गगवाल को भी फोन किया कि हमारे हॉस्पिटल में कोई नहीं होता इधर कोई मरीज, हमारा एक कंडी खेतर जो पहाड़ी खेतर है जहाँ पे मरीज जो है वो दर बदर खजल होते हैं, कभी इधर कभी उधर, कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता है। तो कभी रात को कोई अगर हमारा मरीज जो है कोई बीमार हो जाए तो हमें सांबा जहाँ गगवाल जाना पड़ता है, तो कई बार हमारे आपको पता ही हमारे इलाके की क्या हालत है, इधर बाढ़ भी आ जाती है, पस्सी वगैरह ही पड़ी है, तो इधर तो कोई रात को डॉक्टर ड्यूटी पे होता ही नहीं, जैसे ऐसे ही चलता आ रहा है। आज की बात छोड़ दो, पहले भी इनका यही हिसाब है, आज तो वैसे जो टीचर हैं वो 8 बजे अपनी ड्यूटी पहुंच गए हैं, तो इनके लिए पानी है, आप भी आए हैं आपने देख ही लिया इस रोड पे कहीं नाला है जो आपको पानी दिखाई दिया, कोई भी नहीं देखा, आपने देख ही लिया होगा। तो मैं DC साहब से भी अनुरोध करूंगा को प्लीज इन पे कोई ना कोई एक्शन हो, जो हमारे लोगों को जो मुश्किल आती है उनका हल हो, और जो हमारे लोगों को हरास कर रहे हैं वो ठीक होना चाहिए, और डॉक्टर जो है सभी अपने टाइम से अपनी ड्यूटी पर आने चाहिए। मेरी नॉलेज में कल लाया गया था कि यहाँ पे कोई स्टाफ पहुँचा नहीं है टाइम पे, तो जब मैंने पता किया तो एक डॉक्टर लेट था, वो क्या कारण था वो उसकी एक्सप्लेनेशन निकाली गई है, वो जवाब देगा कि क्यों लेट था वो। बाकी आज भी जब मुझे कोई 10 बजे फ़ोन आया 10:10 पे कि यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा है, तो मैं सीधे आया यहाँ पे, और जब मैंने फ़ोन पे भी किया तो स्टाफ 10:20 पे पहुँच गया था, मैक्सिमम आ गया था, लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ था। तो अब जो भी एक्शन अंडर रूल होगा वो हम लेंगे। ऐसे सर जो हमारे ब्लॉक के नियर अबाउट कोई 35 एम्प्लॉयज़ हैं जो अटैच्ड हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उनका सेंक्शन स्टाफ पूरा नहीं है, जिसकी वजह से उनकी रिक्वायरमेंट वो हायर अथॉरिटीज़ की डायरेक्शन से अटैच्ड हैं। बाकी यहाँ का एक डॉक्टर अटैच है गगवाल में, वहाँ पे 24/7 एमरजेंसी चल रही है, वहाँ भी डॉक्टर्स हमारे पास बड़े कम हैं, जिसकी वजह से उनको यहाँ से वहाँ अटैच किया गया। अटैचमेंट्स हैं ये नीड बेस्ड पे हैं, हायर अथॉरिटीज़ की डायरेक्शंस पे हैं, और जैसे नए डॉक्टर्स ने ज्वाइन नहीं किया उनकी जगह जो खाली रह गई हैं टू रन द मिनिमम जो एमरजेंसी सर्विसेज के लिए उनको अटैच रखा गया।